फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक माय टू चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स वीडियो मेक योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों कैसे हो आप लोग, होप अच्छे हो गए। और अब तो जल्दी जल्दी से लॉकडाउन का समय भी खत्म हो रहा है और अब आपको समय आ चुका है कि अच्छे से तैयारी करके जो भी आपकी छोटी मोटी चीजें छूटी हुई आपको लगता है ये चीजें मुझे नहीं आती है उन सबको कंप्लीट कर लो। जो भी टेक्निकल स्किल्स आपको नहीं आती उन सबको कंप्लीट कर लो और कंप्लीट करके आप एक अच्छा सा रिज्यूम बना लो अभी से। और रिज्यूम बना के जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है मैं बोलता हूं अभी से स्टार्ट कर दो अप्लाई करना, क्योंकि अप्लाई करोगे आज एक महीने तक में आप कंपनीज आपकी रिज्यूमे को देखेंगी। और अगर आपका रिज्यूमे अट्रैक्टिव नहीं रहा, एक तो वैकेंसीज कम है और रिज्यूमे भी अगर अट्रैक्टिव नहीं है तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है लोगों को। कई लोग अपने जॉब में हैं और जॉब से भी उनको निकाल दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, आप में से ही कई लोग होंगे जिनको कंपनी ने हाफ सैलरी दिया होगा, या कई लोग ऐसे होंगे जिनको बोल दिया गया होगा कि अपना अरेंजमेंट कर लो क्योंकि हम सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। इस तरीके से बहुत से लोगों को बहुत से मैसेज आए हैं, बहुत से कॉल आए हुए हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे कि अभी से सजग हो जाओ। जो भी थोड़ी बहुत वैकेंसीज हैं उनको अगर आपको पकड़नी है तो आपका रिज्यूम और आपका कवर लेटर सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से रिज्यूम बनाए और किस तरीके से एक सैंपल देने वाला हूं आपको, डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। पहले देख लीजिए उसमें रिज्यूम में कैसे एडिटिंग करनी है। आप अगर एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए करना चाहते हैं तो, और अगर आप बीम इंजीनियर के लिए भी करना चाहते हो तो नीचे बीम 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 लिख के जाना सब लोग। अगर बीम लिख के ढेर सारे लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक स्पेशल रिज्यूम बनाऊंगा बीम इंजीनियर के लिए। देखो दोनों के लिए रिज्यूम अलग अलग होने चाहिए क्योंकि कंपनी से जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर उनको रिज्यूम मिलता है तभी वो आपके रिज्यूम को सिलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उनको कवर लेटर चाहिए होता है। तो मेरी कोशिश यह है कि मैं एग्जैक्ट वही दूं जो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए लगेगा और साथ ही साथ मैं आपको कवर लेटर भी वही देने वाला हूं जो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को लगेगा। और आप अगर बीम 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 नीचे करके कमेंट करेंगे तो मैं बीम का भी एक अलग से सेपरेट रिज्यूम बना के दे दूंगा कि देखो ये सेपरेट सैंपल होता है बीम के लिए। तो इतने अच्छे काम के लिए अगर आपको देखना है तो कंप्लीट देखिए और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और देखिए कैसे बनाना है और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट हमारी रिज्यूमे में क्या क्या गलतियां हैं और क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कवर लेटर। देखो कवर लेटर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दो लाइन का लिखते हैं कि आई एम राइटिंग फॉर दिस पोजीशन और उसके बाद भेज देते हैं। बट यार क्या होता है कि कवर लेटर के दम पे ही लोग रिज्यूमे को देखते हैं। तो अगर हम कवर लेटर बहुत अच्छा बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे तो लोग लगे यार कुछ तो अच्छा होगा इसके रिज्यूमे में, चलो देखते हैं। तो देखो कैसे आपको कवर लेटर बनाना है। जैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट डाल सकते हो टू, उसके बाद यहाँ पर डाल सकते हो जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद डियर सर डियर मैडम जो भी अगर आपको पता है तो लिख दो कि सर या मैडम, नहीं पता तो दोनों लिख दो। आई एम राइटिंग फॉर अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। आई हैव डन एम टेक किया है तो एम टेक कर दो, बी टेक किया है तो बी टेक कर दो। उसके बाद कॉलेज का नाम बता दो कि कौन से कॉलेज से हो। आई हैव कंप्रेसिव अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ फुल साइकिल ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मतलब हमें पूरी अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग समझ में आती है बिकॉज ऑफ इंटर्नशिप। अब ऐसा आपको बोलना पड़ेगा कि हमने इंटर्नशिप जो किया है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही किया है। अगर किया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो नॉलेज है तो भी आप पुट कर सकते हो प्रोवाइडेड बाई कॉलेज या आप जहाँ से भी PWD से किया होगा, कहीं से किया होगा वो यहाँ पे पुट करो। आई बिलीव दैट माई एजुकेशन मेक हाईली कम्पिटेटिव कैंडिडेट फॉर दिस पोजिशन, माई की स्ट्रेंथ दैट वुड बी सपोर्ट माई सक्सेस। तो अब ये आपको लिखने से थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाओगे कि अच्छा ठीक है इस बंदे को कॉन्फिडेंस है। अब उसके बाद आपको जिस चीज़ का नॉलेज है, स्टील का है स्टील का ले लो, और RCC का RCC का प्रॉपर जो जो नॉलेज है, हाउ मेनी कोर्ट्स यू नो, सारे कोर्ट्स लिख दो। अब अगर वो कंपनी अमेरिकन बेस है तो अमेरिका के कोई कोड आ रहे हैं आप वहाँ पे वो कोड डालो, अगर इंडियन बेस है तो इंडियन कोड जो आ रहे हैं आपको वो डालो। तो अगर अगर आपने थोड़े बहुत अमेरिकन कोड पढ़े हैं तो वो पुट करेंगे और अमेरिकन कंपनी, तो आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांस और प्लस आपके रिज्यूमे को देखने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों इसके बाद आपने एमटेक किया या बीटेक किया है, उसके बाद कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखे हैं उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो आप बोल सकते हो आई नो सॉफ्टवेयर लाइक, ये मेरे एक स्टूडेंट है उनका ये रिज्यूमे मतलब कवर लेटर है और रिज्यूमे भी मेरे एक स्टूडेंट का है। तो यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर आप जानते हो उनको, बहुत अच्छा स्टूडेंट है एक्चुअली और वो खुद भी स्ट्रक्चर इंजीनियर है, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से कवर लेटर एक्सप्रेस किया था। तो आपको यहाँ पे ऑटोकैड बताना है, बट ऑटोकैड के साथ उसमें क्या आता है ये भी बताना है, स्टैट प्रो में क्या आता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ईटैब में क्या आता है वो भी एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि केवल ईटैब लिख दिया, ईटैब में क्या आता है
आता है यार, वो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। सेफ में क्या आता है ये जरूरी है बहुत ज़्यादा समझना। उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं कोऑर्डिनेटर था या जो भी आपने कॉलेज में एक्टिविटीज़ की, थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर दो, जैसे टीम लीडिंग थोड़ी सी शो हो कि तुम टीम लीडर हो। उसके बाद उनको बोल सकते हो कि आई एम रिजिस्ट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम अपना ईमेल आईडी दे दो और उसके बाद सेल फोन नंबर दे दो, और फिर उनको बोल सकते हो थैंक यू फॉर योर टाइम, आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विथ यू। मैं ये पूरा कवर लेटर आपको दे दे रहा हूँ, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ के आप इसी तरीके से कुछ अलग करना है, ये नहीं कि सेम टू सेम कर दो, क्योंकि सब लोग सेम टू सेम करोगे तो सब समझ जाएंगे कहीं ना कहीं से ये लोग गूगल वगैरह से कॉपी पेस्ट किए हैं। मैंने आपको जस्ट एक डायरेक्शन दिया है, मेरे एक स्टूडेंट है सचिन, उनके तरफ से ये डायरेक्शन था, तो उनका ये बहुत अच्छा मुझे लगा, तो मैंने सोचा आप तक पहुँचाता हूँ इस चीज़ को। अब ऐसे ही मैं एक रिज्यूम का भी सैंपल दिखाता हूँ। रिज्यूम अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ये सब फ्रेशर्स के लिए है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप बता सकते हैं, मैं एक्सपीरियंस के लिए अलग से एक रिज्यूमे आपको दिखा दूंगा। प्लस बीम वालों के लिए तो मैंने बोला है कि बीम लिखिए। यहाँ पे आपको अपने देखिए ध्यान से, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको बोर्ड में रखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, बट एड्रेस पूरा नाम गाँव पता नहीं लिखना है यार। देखो केवल क्या लिखना है, मेन एड्रेस, उसके बाद सिटी। उससे क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है वो समझ जाती है कि चलो ये यहाँ पे इस लोकेशन पे है। अब एग्जैक्ट आपने गली भी लिख दिया तो उनको लगता है यार इतना अंदर से आएगा, तो आपको कंपनी के नियर बाई अगर रहोगे तो आपके शॉर्ट लिस्टिंग का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, अगर मुंबई की ओपनिंग है तो आपके पास अगर मुंबई का कोई लोकल एड्रेस है तो वहाँ का डालो, दिल्ली का है तो दिल्ली का डालो, हमेशा लोकल एड्रेस प्रीफर करती है प्राइवेट कंपनियाँ, इसको ध्यान दो। और प्लस ये जो बड़े लेटर्स हैं ये सब 12 किलो, इनका जो साइज रखो ये 12 रखो, जो छोटे अच्छर से इनके सबके यहाँ पे 11 रखो, ये 12 है बट 11 रखोगे तो बेटर रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी हाईएस्ट डिग्री डालनी है, जो भी आपकी हाईएस्ट एमटेक हो सकती है, बीटेक हो सकती है, कहाँ से किया, परसेंटेज और ये ईयर। उसके बाद आपका जो सेकंड डिग्री है, उसके बाद आपने डिप्लोमा किया या ट्वेल्थ किया, जो भी किया उसको करना है, और उसके बाद सबसे लोएस्ट डिग्री। लोग क्या करते हैं, लोग हाई स्कूल को पहले रख देते हैं, बीटेक को नीचे, नहीं, पहले हाईएस्ट डिग्री, उसके बाद उससे लोअर, उसके बाद उससे लोअर। इसके बाद देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा किया हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी में अभी है, तो निखिल नाम है इनका, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो निखिल ने देखो क्या किया है कि अगर ऑटोकैड लिखा है तो ऑटोकैड में क्या आता है उसने मेंशन किया हुआ है, रेबिट में लिखा है तो रेबिट में क्या क्या आता है, स्ट्रक्चर आता है, एक्सटीरियर डिजाइनिंग आता है और मॉडलिंग आता है, वो भी उसने मेंशन किया हुआ है। स्टैट प्रो में क्या आता है उसने प्रॉपर वो मेंशन किया है, ई टाइप में क्या आता है वो मेंशन किया है। इस तरीके से जब आप मेंशन करते हो तो बहुत ही बेहतरीन रिज्यूमे लगता है, और लोगों को जब जैसे कि हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं कि चलो यार इससे पूछना है क्योंकि इस बंदे को इस चीज का नॉलेज है, तो हमेशा इस तरीके से ही आपको मेंशन करना है। उसके बाद अगर कोई सर्टिफिकेशंस है, कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन है, यू कैन जस्ट शो दैट। उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं कॉलेज में तो उनको प्रोजेक्ट को टाइटल तो दीजिए, उसके बाद उसको डिटेल या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और उसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि यहां से इंटरव्यूअर को एक क्वेश्चन मिल जाता है पूछने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो अचीवमेंट्स वगैरह कुछ भी अगर याद है कि आपके अचीवमेंट्स ये हैं वो हैं तो आप उनको लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर डेट आप बर्थ वगैरह आपका और मदर्स नेम, ये इस तरीके से, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा एक लाइन में हो प्रॉपर, और ये लाइन में यहाँ पर अगर अच्छे से लाइन पर आप लिखते हो तो बेहतरीन होता है आपके लिए, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग लाइन से नहीं लिखते हैं तो वो थोड़ा सा देखने में अनकंफर्टेबल होता है। और जब भी कभी किसी को रिज्यूमे दीजिए उसको पीडीएफ फॉर्मेट में दीजिए। आप बोल रहे होंगे सर पीडीएफ फॉर्मेट कैसे करें, कुछ लोगों को तो पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा। डिक्लेरेशन अच्छे से लिखिए, यहाँ पर अपना नाम लिख लिए और यहाँ पर अपना इस तरीके से डेट एंड प्लेस। और हाँ, कभी भी अगर हार्ड कॉपी लेके जा रहे हैं रिज्यूमे में तो वहाँ पर आपको यहाँ पर अपना साइन जरूर करना है, बिना साइन के बिना डेट और प्लेस के मत जाइएगा। कभी कभी रिजेक्शन इस छोटी सी वजह से आपको लाइक एचआर आपको रिजेक्ट कर सकती है। तो आपको यहाँ पे प्लेस लिखना है और डेट लिखना है उसी दिन का, और यहाँ पे आपको साइन करना है, इसका मतलब होता है कि आप अपना प्रूफ दे रहे हो। और साथ ही साथ ये सब तो आप अचीवमेंट वगैरह लिख लेंगे, यहाँ पे देख के आप प्रॉपर देख सकते हैं कैसे लिखना है। डिस्क्रिप्शन भी आपको अपने हिसाब से लिख लेना है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी, और यहाँ से टेक्निकल स्किल्स भी आप इसी तरीके से लिखोगे, डिग्री भी इसी तरीके से, और करियर ऑब्जेक्टिव भी इसी तरीके से, और एड्रेस भी। तो होप आपको पूरा गाइड मिल गया होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है और इसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट, क्योंकि देखिए आप कभी कभी क्या होता है वर्ड में सेव किया फिर इसको जब ओपन किया तो वर्ड इधर गए हैं उधर गए हैं, तो आपको क्या करना है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना। तो देखिए पीडीएफ में कैसे करना, मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ, सेव एस पे जाइए और यहाँ पे जाके अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और पीडीएफ कर देंगे तो पीडीएफ करते हैं दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीडीएफ फॉर्म में ही सबको आपको रिज्यूमे अप्लाई करना है, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में अप्लाई करोगे तो देखो क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं गए हुए हैं, सारे जैसे थे रिज्यूमे में वैसे ही आएंगे। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा वो वर्ड फाइल में देते हैं, जब उनके रिज्यूमे को हम डाउनलोड करते हैं तो कभी उनकी डिग्री कहीं और चली जाती है, कहीं कुछ और चला जाता है, तो प्रॉब्लम होता है, वो देखने में प्रोफेशनल नहीं लगता है। इस चीज़ का ध्यान दो, किस चीज़ को बोल्ड रखना है, किस चीज़ को बोल्ड
नहीं रखना है, उस चीज पे पूरा फोकस रखना है आपको। इस तरीके से अगर करते हो डेफिनेटली आपका रिज्यूमे और कवर लेटर बेहतरीन बनेगा। और ये करके अगर इसमें कोई चेंजिंग आप अपने से भी कर सकते हो, आपको लगता है कि मेरे पास ये स्किल है इसमें सर ऐड नहीं है, तो आप अपने से ऐड कर सकते हो। बट कवर लेटर ऐसे ही लिखना है और रिज्यूमे जिस तरीके से मैंने दिखाया इस तरीके से। अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करो किसी चीज में एक्सपीरियंस है, नीचे कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखो आपको ऐसे करना है, सपोर्ट करिए इस चैनल को, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और इसी तरीके से बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। प्लीज अभी अप्लाई करो जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो। दोस्तों आशा करता हूं आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या गलतियां होती हैं, और सब कुछ मैंने सोचा है कि अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। और अभी अगर आपको चाहिए कि मुझे बीम के लिए चाहिए, किसी को किसी और प्रोफाइल के लिए रिज्यूमे चाहिए, तो नीचे कमेंट करना है कि सर मुझे इस प्रोफाइल का रिज्यूमे बनाना है तो किस तरीके से बनाना होगा, क्योंकि हर एक प्रोफाइल का रिज्यूमे अलग अलग तरीके से बनता है। अगर आप एक रिज्यूमे जो आप सब जगह भेज रहे हो, बिलीव करिए वो रिज्यूमे आपका कहीं भी सिलेक्ट नहीं होने वाला है। रीजन क्या है कि आपका रिज्यूमे जो है वो परफेक्ट है ही नहीं, उसमें क्या क्या गलतियां हैं आप सबने देखा वीडियो में, क्या क्या गलतियां आप सब करते हैं, कवर लेटर में क्या क्या गलतियां करते हैं आप लोग, सैंपल मैंने दे दिया है। अब आपका सिर्फ काम है क्या, इनको फटाफट कॉपी कर लेना और अच्छे से। अब ऐसे नहीं कि सेम टू सेम कॉपी मार दो, क्योंकि अपने लोग बहुत तेज होते हैं कॉपी मारने में, थोड़ी बहुत चेंजिंग करो, चेंजिंग करके आप अच्छे से उसको लोगों तक भेजना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर अभी भेजोगे तब जाके कहीं लॉकडाउन के बाद आपका इंटरव्यू अरेंजमेंट हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। सो प्लीज अभी से इसको स्टार्ट करो। और साथ ही साथ कल से ई टाइप की बैच लॉन्च होने वाली है, तो अभी जो भी लोग हैं, अगर जिन्हें अभी एक दो लोग ऐसे भी होंगे जो छूटे होंगे या उनको पता नहीं होगा कि मुझे ई टाइप करना है या ई टाइप कंपल्सरी है कि नहीं है, तो आप फटाफट कॉन्टेक्ट कर लेना, क्योंकि दो सीटें अभी भी बची हुई है जिनको आप फुल कर सकते हो और अपना कल से क्लास स्टार्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ बीम 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 लिखो, आपके लिए बीम इंजीनियरिंग के लिए जो सुटेबल रिज्यूमे होगा वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।